आगे पानी। वर्लपूल की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो अभी लेटेस्ट आई है, इसकी वारंटी 3 ईयर कंप्लीट वारंटी है, 10 ईयर मोटर वारंटी है। अब इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसका हम ट्रांसफॉर्म नट खोलेंगे, जो पीछे 4 ट्रांसफॉर्म नट लगे, 1, 2, 3, 4। और फिर इसका हम इनलेट पाइप कनेक्शन करेंगे पानी के साथ। अब आगे बन रही है, हम आपको डेमो दिखाते हैं। ये डिटर्जेंट के लिए हो गया है, और इसके अंदर अभी हम इसके ट्रांसपोर्ट नट खोलते हुए दिखाते हैं। ट्रांसपोर्ट नट इसके खुल चुके हैं, ये देखिए। ट्रांसपोर्ट नट खोल के यहाँ पर जो कैप लगा जाती है, वो कैप लगा दी है। चारों ट्रांसपोर्ट नट खोल दिए, ठीक है। ये जैसे आपको पानी मैंने वहाँ से ऑन कर दिया मैडम, ठीक है। यहाँ से पावर सप्लाई आपकी ऑन है, ठीक है। पावर सप्लाई के दो बटन है क्या? एक ही है। ये आपका पाउडर और लिक्विड के लिए होता है। आप डालिए, जैसे पाउडर डालना चाहिए पाउडर डाल सकते हैं, लिक्विड डालना चाहिए लिक्विड डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे, हाँ, पाउडर और लिक्विड। अच्छा, पाउडर डालना डालो, लिक्विड डालना होता है। ये बंद कर दिया, उसके बाद ये डोर खोलेंगे। खोल दिया आपने, खोलने के बाद आपको क्या करना है, कपड़े डालने, जैसे आपके कपड़े धोने हैं, ठीक है। ऊनी ऊनी भी धुल जाएंगे सर? सब धोएंगे, डेलिकेट होंगे, ऊनी होंगे, कॉटन होंगे, पर्दे होंगे, सब होंगे, बेडशीट होंगे, सब होंगे, बेबी केयर है वो भी होंगे, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे पावर ऑन, हो गया पावर ऑन। अब ये आप देखिए, ये नोब है, ठीक है। ये आपके सारे प्रोग्राम है। कौन से कपड़े हैं? हाँ, जैसे स्टेन वॉश, रैपिड 30, बेबी केयर, रेंज प्लस स्पिन, स्पिन और डेलिकेट, कॉटन, ई कॉटन, डेली वॉश और वूलन्स और ड्रम क्लीन, ये सारे आपके प्रोग्राम है मैडम, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, जो लिखा है ना ड्रम क्लीन लिखा है, ये ड्रम क्लीन का मतलब होता है जो अंदर टप है ना, इसकी सर्विस के लिए होता है मैडम, ठीक हो गया। ये भी कपड़े डाल के करना है? नहीं, जैसे मान लो आपको टप क्लीन करना है, टप क्लीन कर देंगे आप 2 से 3 महीने बाद, ठीक है। एक केमिकल से भी सर्विस होती है मशीन की, जो अंदर टप है ना, इसकी जो सर्विस करेंगे वो केमिकल से भी होता है, नहीं तो आप टप क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोग्राम हो गए, ठीक हो गया। आप प्रोग्राम पर लिखे, आप जैसे आपके प्रोग्राम लिखे उस प्रोग्राम में आप धो सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे आप रैपिड 30 में मान लो, जैसे कुछ कपड़े आप मार्केट से परचेज करके लेके आ रहे हो, उनको धो के पहनना चाहते हो ना, अब जल्दी करना चाहते हो, या फिर आपको जल्दी जल्दी कहीं जाना है, एक दो जोड़ी कपड़े हैं आपके पास, उनको आपने डालना है, जल्दी से रैपिड 30 करना है, स्टार्ट कर देना है, 30 मिनट के वो सूख के निकल जाएंगे। तो इसमें आप पूरा लोड डालेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें पूरा नहीं डालना है आपको, ठीक है। बाकी जो सारे प्रोग्राम है, जैसे स्टेन वॉश है, डेलिकेट्स है, कॉटन है, ई कॉटन है, बेबी केयर है, इस सब में क्या होगा कि मशीन अपने हिसाब से टाइम बताएगी। जैसे मैं धो रहा हूँ, अगर डेलिकेट्स कपड़े धो रहा हूँ, तो जो मशीन टाइमिंग दिखा रही है वो 1 घंटा 10 मिनट दिखा रही है, अच्छा, ठीक है। इसमें पानी के टेम्परेचर करेगी मशीन 30% गर्म और सब कुछ होगा, ठीक है। दो चार कपड़े धोने हैं, जल्दी जाना है, तो आप वो कर सकते हो रैपिड 30 में। ये आपके सारे प्रोग्राम है, जैसे भी आप प्रोग्राम, ये आपको दिख रहा है सिंबल, ये तीर का जैसा निशान दे रहा है ना, ये सिंबल आप जिसकी तरफ ले जाएंगे वैसे वैसे प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, पर टाइमिंग चेंज हो रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो कि आपको गर्म पानी में नहीं धोना है, आप ठंडे पानी में धोना चाहते हो, यहाँ से कोल्ड वॉश कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ से कोल्ड वॉश करेंगे तो मशीन आपकी ठंडे पानी में धोएगी, ठीक है। और आयरन के लिए भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्री वॉश का ऑप्शन भी है, आप प्री वॉश भी कर सकते हैं, ठीक है। प्री वॉश का मतलब होता है मैडम कि आपको, मान लो कि आपको लगता है कि ये गंदे रह गए, तो दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के लिए है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो, जैसे मैं टेम्परेचर बटन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मशीन यहाँ पर टाइमिंग को चेंज कर रही है, ठीक है। मान लो ना, हमारी जो मशीन होती है, ये आपकी जो मशीन है, ये 1200 RPM की है, मतलब कि 1200 RPM, मतलब कि 1 मिनट में उतने बार घुमा रही है कपड़ों को, अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, सेट कर दिया आपने, और यहाँ से सीधे स्टार्ट कर दोगे, हाँ, यहाँ से ये भी कर सकते हो। और अगर ऑफ कर लो यहाँ से, ऑफ हो गई, दोबारा ऑन कर रही है यहाँ से, ऑन तो नीचे से ना, ये पावर लिखा ना, पावर यहाँ से होगा। मान लो कि मुझे धोने अभी रैपिड 30,
जल्दी करना है, 30 मिनट आ गया, मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये मशीन स्टार्ट हो गई आपकी, डोर लॉक का निशान आ गया, पर ताला बंद का आ रहा है ये, मतलब कि आपका डोर लॉक हो गया, आप खुल नहीं सकते आप। अब कुछ देर में यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए टब घूमना लगेगा आपको धीरे धीरे भी, देखिए पानी तो अभी आ नहीं रहा होगा, पानी अभी आएगा ना, अभी आएगा, खुला ही नहीं हो, देख रहे हैं आ गया पानी अंदर, ठीक है। अब पानी पानी कपड़ों के हिसाब से लेगा, ये देखिए आपको पानी आ तो दिख रहा है यहाँ से, अब जितने कपड़े होंगे ना उस हिसाब से मशीन पानी को भरेगी, फिर पानी को रोक लेगी, फिर वॉश करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अभी कुछ देर में पानी रोक लेगी, अपने हिसाब से भरेगी, ठीक है। और डिस्प्ले में आपका टाइम आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये 28 आ गया ना, 28 मिनट आ रहे हैं, हाँ तो कुछ नहीं है, बाकी सिंपल सा मैडम। यहाँ से आपको पावर ऑन करना है, जैसे अभी बंद करके दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं, बंद होने के बाद फिर दोबारा पावर ऑन करेंगे यहाँ से, पानी बाहर निकाल दिया, हाँ जो ड्रेन के अंदर था, पावर ऑन हो गया। अब इस पानी को मैंने निकालना है, ठीक है, अगर लगता है आपको ऐसा अंदर रहेगा कभी, ये लिखा रहा ना स्पिन प्लस ड्रेन आ रहा है ना, 10 मिनट लिखा रहा है डिस्प्ले में, ये चिन्ह यहाँ आ जाएगा, हाँ ये जो सिंबल है यहाँ आ गया, हाँ हाँ ये आ गया, मैं ऐसे स्टार्ट कर दूंगा, ये देखिए स्टार्ट कर दिया, अभी डोर लॉक हो गया है, अब आपका ड्रेन करेगी मशीन और स्पिन करेगी, सिंपल है, पावर ऑन करिए, प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पावर ऑन कीजिए, पावर ऑन करना है आपको, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जैसे आपके कपड़े हैं ना, पावर ऑन करने का प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जैसे आपके प्रोग्राम आपको चाहिए, डेली वॉश है, स्टेन वॉश है, वूलन है, बेड शीट है, बेबी केयर है, जैसे आपको प्रोग्राम चाहिए वो करिए और उसका स्टार्ट कर दीजिए, एक बार प्रेस करेंगे तो स्टार्ट होगा, दो बार करेंगे तो पॉज हो जाएगी मशीन, ठीक है। हाँ ये ना ये वाला स्टार्ट, इससे एक बार करोगे स्टार्ट होगा, दो बार करोगे तो पॉज जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्पिन होने लग गई है, हाँ स्पिन कर रही है, ड्रेन प्लस स्पिन किया ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि मशीन पानी को बाहर निकाल रही है और कपड़ों को सुखा रही है, ठीक है मैडम, कोई दिक्कत होती है दोबारा बता देना मुझे, ठीक है।